अमरपाल सिंह का कह लो कि मामला भखदा है। उस तो बाद की होंगे कि मीडिया भी टारगेट से आ जाता है सरकार के, मीडिया के कह लो कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाते हैं, पत्रकारों के घर को पुलिस पहुंचती है। यह सारा जो घटनाक्रम वापरता तो उस तो बाद पत्रकारों वालों अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह तक पहुंच दी जाती है, जिस तो बाद इसका नोटिस लेंदे ने, जिस तो बाद फिर कह लो कि सिर्फ पत्रकार ही जथेदार साहब तक पहुंच नहीं करते, उस तो बाद भाई अमरपाल सिंह की वीडियो आती है, वह भी जथेदार साहब को अपना सुनेहा लाते हैं। तो यह सारे घटनाक्रम तुम किए देखते हो, जथेदार साहब जो रोल निभा रहे हैं, जिस तरीके उन्होंने एक मैसेज कह लो कि सीएम भगवंत मान साहब को भी डिलीवर किया, जिस तो बाद भगवंत मान साहब का भी एक उन्होंने रिप्लाई आ जाता है, यह सारे घटनाक्रम के जथेदार साहब का की रोल देखते पे हो? देखो जिवें स्टेटा दे राजे जां फिर मालक मुख्यमंत्री हुंदे ने ना, जिवें एक देश का प्रधानमंत्री हो गया तो स्टेट का मुख्यमंत्री हो जाता, ते जिवें हुण आपां गल धार्मिक अधारियां दी करिए तां क्रिश्चियन धर्म जिहड़ा हैगा ईसाई धर्म है उहदे विच वी पॉप की बड़ी अहमियत है। मतलब जदों इन्हां देशां दे विच जिहड़े वैस्टर्न मुल्क ने इन्हां दे विच क्रिश्चियनिटी जिहड़ी है उह वड्डे रूप दे विच है, बहु गिनती दे विच है, ते जदों ये लोग जिहड़े फैसला करते हैं राजनीतिक लोग तो पॉप दा विच ओपीनियन जरूर रख्या जांदा है। जेकर कई बार इस तरह देखा गया इतिहासक घटनावां दे विच कि पॉप जदों कोई गल कह दिंदा है तो फिर वह देशां दे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक भी मन लैंदे ने, सो इन्नी अहमियत इन्हां मुल्कां दे विच है। सो उसे तरीके दे नाल जदों आपां पंजाब दी गल करते हैं तो पंजाब दे विच सिख कौम जिहड़ी है बहु गिणती दे विच, आपां कह दिंदे बाहरलियां स्टेटां च आपां घट गिणती हाँ पर पंजाब दे विच असीं बहु गिणती हाँ, 60% दे करीब मन्ने जांदे सिख, ते इह उह धरती है जिथे सिखां दा अकाल तख्त है, ते अकाल तख्त दे उत्ते बैठा जथेदार जिहड़ा उह साडे पॉप वांग आ। आपां मतलब कि भावें इह कह लईए कि पॉप तों वी उत्ते दी असीं अहमियत जिहड़ी है आपणे जथेदार नूं दिंदे हाँ। सो जिथे एक स्टेट अपना कानून अपना सारा जो है ताम झाम एक मुख्यमंत्री के जरिए चलाउंदी है, सिखां दा अपना जिहड़ा तख्त हैगा जिहनूं सिख अपनी सुप्रीम कोर्ट भी कहिंदे है, ते उहदे फिर अगे जथेदार ने जिहड़े उह अजकल जिहड़े ने उह भाई हरप्रीत सिंह ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरी ने। सो जे हुण रोल की गल करिए स्टेट के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होरां ने अपना रोल निभाया, उन्होंने जिवें ठीक लग्या केंद्र दे नाल उन्होंने गलबात करके ते अपने तरीके दे नाल इस एक्शन नूं हैंडल किया। पर हुण दूसरे पासे गल आ जांदी जदों सिख नौजवानों की फड़ो फड़ाई दी, तां उत्थे एक अहम योगदान जिहड़ा है वह जथेदार का भी चाहिए सी, जाने सिखां दे पॉप का भी। जथेदार साहब ने पहले दिन ही काफ़ी जिहड़े 10 दिन जिहड़े आपां पिछले कह लईए कि चुप वट्टी रखी इहदे उत्ते कोई भी गलबात जिहड़ी नहीं कीती, अखीर दे विच उहनां दा बयान एक आउंदा है कि शांति जरूरी है। सो इस तो बयान तो बाद फिर वर्ल्ड वाइड वसदे सिखां वल्लों जिहड़ा एक क्रिटिसाइज किया गया जथेदार साहब नूं कि तुहाडा भी तो रोल है, तुसीं भी बोलो, अगे पिछे तो तुसीं इत्थों तक भी बयान दे दिंदे हो कि सिखां दी पार्लीमेंट तोड़न वाले हो, तुहाडी भी पार्लीमेंट दे टुकड़े होणगे, तुसीं देखिया हुण उहनां दा बयान आया। सो इह तुहाडी पार्लीमेंट टुटेगी इह इक छोटी मोटी गल नहीं कही उन्होंने, अपने वालों कहा सी कि भारत दे भी टोटे किसे दिन होणगे। सो जदों हुण इह गल सिखां दी फड़ो फड़ाई दी आउंदी है तां उत्थे जथेदार साहब चुप क्यों ने, इह गल्लां जदों बार बार कीतियां गईयां तां फिर अखीर जथेदार साहब हरकत दे विच आउंदे ने, उहनां वालों फिर एक मीटिंग जिहड़ी आ उह सद्दी जांदी है। पहलां तां खुल्ला सद्दा दे दित्ता गया कि सारियां संपर्दावां आउण, सारियां सिख शख्सीयतां आउण, कथावाचक प्रचारक आउण, पर उस तो बाद उन्होंने सीमित कर दिता क्योंकि अगले दिन ही उन्होंने एक वड्डा पुलिस अफसर जिहड़े ने मिलन आउंदे मीटिंग करन आउंदे ने, उस तो बाद इस नूं जिहड़ा है वह घटा दिता जांदा कि 100 बंदा ही जिहड़ा है वह आऊगा इस मीटिंग दे विच। फिर मेन बंदे आए, वह गलबात जिहड़ी हुई उहदे विच कुछ वधिया गल्लां भी कीतियां गईयां कि साडे जिहड़े नौजवान है 24 घंटिआं दे विच छड्डे जाण, वह वक्खरी गल है कि स्टेट ने वह नौजवान छड्डे नहीं। पर फिर हुण अगली जिहड़ी गल हैगी है कि अमृतपाल सिंह होरां दी एक वीडियो आउंदी जिहदे विच उह कह दिंदे ने कि सरबत खालसा सद्दो जथेदार साहब, सरबत खालसा सद्दो। हुण की हुण गल इत्थे आ के मुकदी है कि की जथेदार साहब सरबत खालसा सद्दे ने विसाखी दे उत्ते, क्योंकि 12-13 दिन रह गए आ विसाखी नूं, पर उन्होंने सरबत खालसे की गल हजे चल रही है। चलो आपां देखदे हां वी आउण वाले दिनां च शायद इहदे उत्ते कोई उन्हां दा बयान आउंदा, उस तो पहले उन्होंने पत्रकारां दी भी एक जिहड़ी है मीटिंग सद रही है। हुण पत्रकारां दी मीटिंग इस करके सद्दी गई है क्योंकि बड़े पंथक पत्रकार जिहड़े ने उन्हां दे चैनल भी बंद कीते गए आ, जिहदे विच यूके दे भी एक दो तो चार चैनल ने, बाकी पंजाब दे ने, कोई अमरीका दे होणगे, सो उन्हां दे नाल मिलनी जिहड़ी उह कीती गई है। हुण गल इही है कि स्टेट का मुख्यमंत्री अपने तरीके नाल रोल निभा रहा है क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है, रिस्पोंसिबिलिटी है, उन्हें अपनी स्टेट वास्ते जो करना है कानून व्यवस्था नूं रख के वह कर रहा है,
पर दूसरे पासे हुण बराबर जेकर सिख धर्म की गल करिए उन्हां दे वी पॉप उन्हां दा मुख्यमंत्री उन्हां दा जथेदार कह लईए उह भाई हरप्रीत सिंह है। हुण इत्थे अज परख की घड़ी आ गई है जथेदार साहब पासे कि उह किस तरीके नाल चलदे ने। ये उन्हां दा चलना भी जरूरी है पर उन्हां दे उत्ते भी प्रैशर है। ये मत भुल्यो सिखां नूं भी मैं बेनती करदा कि जिहड़े बार बार ये कहिंदे कि तुसीं आ करदे हो उह करदे हो, जथेदार साहब श्रोमणी कमेटी कदे भी भारत तों वक्री नहीं चलदी आपां ये मन के चलीए, क्योंकि भारतीय कानून के अंडर ही वोटां होंदियां, जिहड़ा संविधान दे विच भी श्रोमणी कमेटी उह भारतीय कानून दे हिसाब दे नाल ही चलदी है। ते जदों जिहड़ियां चोणां होंदियां जां सारी गलबात होंदी है अमृतसर डीसी दी देखरेख दे विच होंदियां, सो आपां ये नहीं कह सकते कि इस तरीके नाल चलो। हाँ, जायज़ एक्शन जिहड़ा हैगा उह जिहड़ा जथेदार साहब वालों लिया भी जाना चाहिए। यह नहीं कि बिल्कुल ही चुप कर जाओ, फिर तुहाडी अहमियत भी कोई नहीं, फिर तो अकाल तख्त की भी अहमियत घट जाती है जदों जथेदार साहब बिल्कुल ही चुप रहिंदे ने। सो हुण यह परख की घड़ी है कि किन्ना क जथेदार साहब चल सकते हैं, किन्ना क नहीं चल सकते, सो किन्ना क सिक्योर होएगा, किन्ना क नहीं सिक्योर होएगा। जेकर वह कोई इदां दा स्टैप लेंदे ने भारत सरकार का उहदे उत्ते की एक्शन होएगा। पंजाब सरकार बादलों का भी हमेशा नाम लगता रहा कि उन्होंने लिफाफियां चों निकले जथेदार लगते हैं, सो बादलों का इहदे उत्ते की प्रतिक्रम होएगा। यह सारियां गल्लां बहुत अहमियत रखदियां, पर मैं यह गल मनदा कि एक देश दे विच दो हुण तख्त ने वह आमणे सामने ने। हुण एक भारत का तख्त पंजाब सरकार का तख्त कह लईए इहनूं, जिहनूं आपां कह लईए नुमाइंदगी पंजाब सरकार कर रही है, दूसरे पासे सिखां का तख्त है। हुण इहदे विच वी इहनां दा वी जिहड़ा अपना रोल निभाउण दी इस वेले जरूरत है, ते इह इह वी अपना रोल जिहड़ा ऑलरेडी निभा ही रहे ने। हुण दो तख्त आमो सामने हो गए आ, सरबत खालसा सदन की कौल वास्ते वी कहा जा रहा, ते दूसरे पासे जिहड़ा सिख नौजवान जिहड़े फड़े गए ने, सरकार ने भगवंत मान ने ट्वीट ट्वीट खेडिया पिछले दिनी जथेदार साहब नाल, सो उहदा वी कोई असर देखण नूं नहीं मिलिया। इस तरह लग रहा सी भगवंत मान होरी कोई बहुती अहमियत नहीं दिंदे जथेदार साहब दे बयानां नूं। अगली गल जिहड़ी है, ट्वीट भी कीता होया जथेदार दा जिहड़ा उह भारत दे विच बैन कर दित्ता गया। सो तुसीं इत्थों तक देखो, हुण जे वैस्टर्न मुल्कां दे विच पॉप दे ट्वीट बैन कर दिते जाण ते फिर इत्थे किहो जी है चहल पहल ते हलचल होएगी। सो इह इन्नी क जिहड़ी अहमियत इस वेले हैगी है पंजाब दे विच, पर मैं इह वी नहीं कहिंदा कि बिल्कुल ही माड़ी स्थिति दे विच है। एक्शन भी होए ने, पंजाब सरकार भी हरकत दे विच आई है, हिलजुल भी होई है जथेदार दे बयान तो बाद। सो हुण 7 तरीक नूं इह जिहड़ी रखी गई है पत्रकारां दे नाल मिलनी, इहदे विचों की निकलदा इह वी देखणा होएगा। पर इह गल जरूर है कि सिख पत्रकारां दे जिहड़े पेज ने बैन कीते गए आ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਟਰਲ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਆਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 40-45 ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।